थैंक गॉड आज वो चिलचिलाती हुई गर्मी नहीं है। आई मीन मौसम जब अच्छा होता है ना तो मन करता है कि घर से बाहर निकल जाओ, दफ्तर से बाहर निकल जाओ, बस बाहर ही रहो। नहीं तो गर्मी में किसी को बाहर निकाल के देख लीजिए। अब बाहर बाहर इतना हो रहा है तो चलिए ना आज पूरा दिन बाहर बिताते हैं। किसके साथ? वो जो निमकी में मिंटो जी की दादी है, जी हाँ फरीदा जी, उनके साथ। गुड मॉर्निंग सास बहू और साजिश के सारे व्यूअर्स को मेरा हेलो। आज आप लोग देखेंगे फरीदा दादी जो मैं हूँ उसकी रियल लाइफ, नॉट द रियल लाइफ। और मैं अपना दिन शुरू करती हूँ प्रेयर्स के साथ, जो सबको करना चाहिए। प्रेयर्स हो गई मेरी, अब उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने सिंहासन पे, जो मेरा बेड है। मेरा बेड जो है वो ऑल इन वन है, यानी मेरा डाइनिंग टेबल भी है, मेरा हर काम मेरे बेड पे ही होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सारा दिन मैं इस पे बैठ सकती हूँ और मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मुझे कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती, यानी खाना खिलाने से लेके रात को दबाने तक। भगवान सबको ऐसी बहू दे। मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं 3, एक बीमार है हॉस्पिटल में, उसको डेंगू हो गया। ये मेरी बड़ी पोती है, बीच वाली जो सबसे शरीर है वो स्कूल गई भी है। ये तो हमारी सबसे बेस्ट ग्रैंड मदर हैं और हमें इनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इनकी कैसे इन्होंने स्टार्ट किया अपने शूटिंग का एंड उन्होंने क्या ट्रबल्स फेस किए। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हॉल में महीनों हो जाते नहीं जाती हूँ। मेरे बेटे का बेडरूम जो है, कभी उसके वहाँ जाके बैठ गई तो वहाँ बैठ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और के घर में आ गई हूँ। मेरा ये सिंहासन जो है वो बेस्ट है। रियल लाइफ में जैसे जो मेरा कैरेक्टर निमकी मुखिया में, निमकी विधायक में है, टोटली डिफरेंट, उससे बिल्कुल उल्टा लाइफ है मेरा। मैं एकदम, क्योंकि घर में मैं बड़ी हूँ तो मैं ज़रा रोब भी दिखाती हूँ, बच्चे सुने नहीं तो बेटर है, लेकिन लड़कियाँ हैं 3 तो उनको कंट्रोल में रखना और पूरा घर का जो मैनेजमेंट है वो देखना, ये सारी चीज़ें बहुत मस्त हैं। तो इसके लिए मेरा एक अलग ही रूप है यहाँ पे। ये मेरा स्टाफ है, ये एथेल, उसकी बेटी है सुजाता, ये लोग रहते हैं उड़ीसा के। तो ये बरस में 3 टाइम आती है, 3 टाइम जाती है, इतने प्यारे लोग हैं। अब ये
चूँकि खेती के लिए जाएगी तो ये अपनी बेटी को यहाँ छोड़ेगी मेरे पास। दे आर सो सो नाइस कि मुझे कोई घर की फिक्र ही नहीं होती कि ये तीनों है। अभी मेरे चाय और बिस्किट हो गया है, अब मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। चूँकि मैं बहुत मोटी हूँ तो मुझे रेडीमेड नाइटीज आती नहीं है, तो मेरा टेलर रहता है जो मेरे घर ही में रहता है, वो अभी गया हुआ है गाँव, तो उसके लिए ये मशीन रखी है। ये मशीन पे वो सीता मैं इसीलिए यहाँ रखी है ताकि वो मेरे सामने काटे और मेरे सामने सिए। यहाँ पे है मेरा चटर पटर का डब्बा, इसमें जो रात को मुझे भूख लगती है तो इसमें से चीज़ें निकाल के मैं खाती हूँ। मैक्सी इसमें देखो, आई प्रिफर वेयरिंग मैक्सीज, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो थोड़े शलवार कुर्ते रखे, बाकी हर जगह आपको मैक्सीज ही दिखेंगी। ये मेरे बेटे का कमरा, मेरा बेटा सऊदी एयरलाइन में काम करता है, ही इज़ एन ऑडिटर, ही वर्क्स एट द टाउन ऑफिस एंड अभी फ़िलहाल वो ऑफिस में है। ये है मेरे बड़ी दो पोतियाँ हैं उनका रूम, ऊपर सारा का बेड है, सना का बेड है और नीचे सारा का बेड है। इसमें मैंने, क्योंकि बॉम्बे में घर बहुत बड़े बड़े नहीं होते तो हर चीज़ का मैंने यूटिलाइज़ किया है। ये देखिए ये स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें इनकी बुक्स के लिए रखा है। मुझे लगता है एक महीने के बाद आई हूँ मैं इधर, आती ही नहीं हूँ। और ये रही आजकल की उत्तरण का है, ये 500 एपिसोड्स, ये सिंटा ने मुझे ऑनर किया था। मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मैंने 5 साल की एज में स्टार्ट किया। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे, 5 भाई बहन थे, तो मेरी माँ मुझे एक गार्डन ले जाया करती थी। हम लोग एक चौल में रहते थे अंधेरी में, फिदाई बाग में, वहाँ पे किसी ने मुझे देखा, मिस्टर साहू मोदक, उन्होंने कहा कि आप इसे ले जाइए, फिल्मालिया को बच्चे चाहिए। तो मैं फिल्मालिया स्टूडियो गई, वहाँ पर मुझे एस मुखर्जी ने देखा, गेट पर हम लोग खड़े हुए थे तो उन्होंने देख के बुलाया, बोला बेटा इधर आओ। तो मैं गई, कहले तुम पिक्चर में काम करोगी? मैंने कहा हाँ, हम इसके लिए आए हैं। बोले अच्छा बेटा, कल से तुम्हारी शूटिंग है। वो पिक्चर थी चैरिटी मास्टर, वर्किंग विद दिलीप कुमार फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फेस्ड अ कैमरा विद मिस्टर दिलीप कुमार। फिर वहाँ पर कुछ और बच्चे थे, वो मुझे ले गए गुरुदत्त स्टूडियो जो आज नटराज स्टूडियो है। That was the time I faced camera with वहीदा रहमान। Film was कागज़ के फूल, वो गाना था 1, 2, 3, 4 और 5, उस गाने में मैंने काम किया और वहाँ पे डायलॉग्स भी दिए। तो गुरुदत्त gave me 10 rupees per day। सुजाता में मैंने शशिकला का बचपना किया and that was my first release and it was a silver jubilee film। मुझे बनना था डॉक्टर। अब सब लोगों ने बहुत इसरार किया, जैसे राज जी ने, राजश्री प्रोडक्शंस ने, क्योंकि उनके साथ बेटी बेटे भी कर चुकी थी जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी एंड दोस्ती।
तो दे वॉन्टेड मी टू डू उपहार. मैंने कहा नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है. मेरी माँ पे इतना प्रेशर आया था कि वो, उन्होंने कहा कि मैं अब संभाल नहीं पाऊँगी तो इसकी शादी कर दो. तो शादी कर दी मेरी. अब शादी के बाद कौन डॉक्टर बनता है, कौन क्या करता, आराम से बैठी रही घर पे 30 इयर्स. और लास्ट फिल्म मेरी रिलीज थी वो थी राम और श्याम. राम और श्याम में अगेन दिलीप कुमार वॉज माई मामू एंड आई वॉज प्लेइंग हिज नीस. हो गई बात. फिर सायरा जी और मेरी दोस्ती हुई. बहुत पूछते थे दिलीप साहब, तो मेरी माँ ने कहा तुम वो इतना याद करते हैं तुमको, जाके मिलो तुम. मैं वहाँ गई और सायरा जी की फ़ैन हो गई. इतनी स्वीट लेडी है कि मैं बता नहीं सकती. शी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी एंड आई कैन कॉल हर माई बैक बोन. हर सुख में दुख में हम लोग की दोस्ती 46 इयर्स की हो गई है. एंड फिर उन्होंने सीरियल स्टार्ट किए तो 30 इयर्स के गैप के बाद. तो सायरा जी ने पहले टॉक शो बनाया था इस दुनिया के सितारे, तो उसमें हम सेलिब्रिटीज़ के लिए डेट्स लेने जाते थे. मैं पोस्ट प्रोडक्शन करती थी. तो सब लोग बोले क्या फरीदा जी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वापस आओ कैमरा के सामने, वापस आओ कैमरा के सामने. तो सायरा जी ने सीरियल स्टार्ट किया किसे अपना कहें, तो शी व्हाई डोंट यू डू इट. तो मैंने उसमें काम शुरू किया. अब आपको मैंने अपना बचपन भी बता दिया और जवानी तो शादी कर ली थी, बुढ़ापे भी बता दिया. तो आई होप यू हैव इन्जॉयड माई जर्नी. और प्लीज़ निमकी विधायक देखते रहिए. ABP News, आपको रखे आगे.